असलम वेलकम एवरीवन आज हमारा जियोस प्रोडेंस का लेक्चर नंबर वन है जो किस हवाले से है लेजिस्लेशन के टॉपिक हम पढ़ेंगे और उसकी काइंड्स को डिस्कस करेंगे तो लेजिस्लेशन किसे कहते हैं लेजिस्लेशन लफ्स दो लेटन वर्ड से मिलकर बना है लेजस और लेटम लेजस का मतलब क्या है लॉ लेटम का मतलब क्या है टू मेक यानी कि लेजिस्लेशन का मतलब क्या हुआ कानून बनाना मेकिंग ऑफ लॉ इज़ कॉल्ड लेजिस्लेशन किसी भी तरह कानून साजी का जो अमल है वो क्या कहलाता है लेजिस्लेशन इट इज इनउंसिएशन और प्रोमलगेशन ऑफ लॉज बाय द लेजिस्टर ऑफ द स्टेट जो आपकी कंट्री का जो किसी भी स्टेट का जो लेजिलेटर है वो जो कानून बनाता है वो जो कानून पास करता है तो कानून पास करने का अमल कानून साजी का जो अमल है ये क्या कहलाता है लेजिस्लेशन लेजिस्लेटर कौन है जो लेजिस्शन करता है ठीक है और लजिस्लेशन किसे कहते हैं कानून बनाना लॉ मेकिंग प्रोसेस ऑफ लॉ मेकिंग इस कार्ड लेजिस्लेशन ठीक है ये तो हो गई मीनिंग अब हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं उसकी जो फॉर्मल अट्रेंस है यानी कि फॉर्मल तरीके से फॉर्मली वो जो कुछ कहता है वो क्या कहलाती है लेजिस्लेशन ठीक है सालमन ने किस तरह डिफाइन किया है लेजिस्लेशन इज डेड सोर्स ऑफ लॉ विच कंसिस्ट ऑफ लीगल रूल्स बाय अम्पेटेंट अथॉरिटी किसी भी स्टेट में जो कंपिटेंट अथॉरिटी है यानी कि जो लेजिस्लेटर है वो जो लीगल रूल्स बनाता है उसे हम क्या कहते हैं लेजिस्लेशन कहते हैं ठीक है ठीके? तो लेजिस्लेशन सिंपली क्या है इन सिंपल वर्ड्स लॉ बनाना किसी भी किस्म का लॉ बनाना प्रोसेस ऑफ मेकिंग लॉ इस कार्ड लेजिस्लेशन ठीक है काइंड ऑफ लेजिस्लेशन तो मेनली दो काइंड हैं एक है सुप्रीम लेजिस्लेशन और एक है सब ऑर्डिनेट लेजिशन जिसे हम डेलीगेटेड लेजिस्लेशन भी कहते हैं सुप्रीम लेजिस्लेशन क्या है इट इज द लेजिस्लेशन दट इज मेड बाय द सोवरन अथॉरिटी ऑफ द स्टेट किसी भी स्टेट के अंदर जो सोवरन अथॉरिटी है जो सुप्रीम अथॉरिटी है वो जो लॉ मेकिंग करती है वो जो लॉ बनाती है उसे हम क्या कहते हैं सुप्रीम लेजिसलेशन और इसको सुप्रीम क्यों कहते हैं बिकॉज इट कैन नॉट बी रिपील्ड एनल्ड और कंट्रोल्ड बाय एनी अदर लेजिस्लेटिव अथॉरिटी रिपील इसे चेंज नहीं किया जा सकता एनल इसे ख़त्म नहीं किया जा सकता और कंट्रोल नहीं किया जा सकता किसी भी और लजिस्लेटिव अथॉरिटी की तो किसी भी कंट्री में जो हाईएस्ट लेजस्लेटर होता है हाइस्ट लेजिस्लेशन अथॉरिटी होती है वो जब कानून साजी करती है उस कानून साजी को हम क्या कहते हैं सुप्रीम लेजिस्लेशन फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान में कौन है सुप्रीम लेजिस्लेशन कौन करता है पार्लियामेंट ठीक है पार्लियामेंट क्या है सुप्रीम लेजिस्लेटर है बिकॉज इसके लॉज कोई भी और अथॉरिटी पाकिस्तान के अंदर चेंज नहीं कर सकती तो कौन चेंज कर सकता है पार्लियामेंट खुद जो पार सुप्रीम लेजिस्लेटर है वो खुद ही अपने बनाए हुए कानूनों को तब्दील कर सकता है उसमें तब्दीलियाँ ला सकता है उन्हें ख़त्म कर सकता है सुप्रीम लेजिस्लेटर वो है कि जिससे बड़ा मजीद कोई और लेजिस्लेटर मौजूद नहीं है ठीक है तो किसी भी कंट्री की जो हाईएस्ट अथॉरिटी है जो सुप्रीम अथॉरिटी है वो जो लेजिस्लेशन करती है तो उसे हम क्या कहते हैं सुप्रीम लेजिस्लेशन सेकंड क्या है सब ऑर्डिनेट लेजिशन सब ऑर्डिनेट का मतलब क्या है मातहत ठीक है इसे ही हम डेलीगेटेड लेजिस्लेशन भी कहते हैं बिकॉज ये लेजिस्लेशन की पावर डेलीगेट किसने की है किसने ये अख्तियार दिया है सुप्रीम लेजिस्लेटर ने ठीक है तो सब ऑर्डिनेट लेजिस्लेशन तभी की जाती है जब आपको लेजिस्लेशन की पावर डेलीगेट की जाती है कि आप लेजिस्लेशन कर सकते हो ठीक है अच्छा हम इसे डिफाइन किस तरह कर सकते हैं दिस काइंड ऑफ लेजिस्लेशन इंक्लूड्स लेजिस्लेशन मेड बाय सम अदर अथॉरिटी देन द सुप्रीम लेजिस्लेटर किसी भी स्टेट के अंदर सुप्रीम लेजिस्लेटर के अलावा कोई भी अथॉरिटी होगी कोई और अगर अथॉरिटी होगी तो कैसी होगी सुप्रीम लेजिस्लेटर से लोअर होगी इन्फीरियर होगी उसके सब होगी ठीक है तो सब ऑर्डिनेट लेजिस्टर जब लेजिस्लेशन करता है तो उस लेजिस्लेशन को हम क्या कहते हैं सब ऑर्डिनेट या डेलीगेटेड लेजिस्लेशन ठीक है द पावर ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन इज गिवन बाय द सुप्रीम लेजिस्लेटर टू द सबऑर्डिनेट लेजिस्लेटर एंड द लेटर हैज़ टू वर्क विद इन द लिमिट्स सेट बाय द फॉर्मर तो जो सब ऑर्डिनेट लेजिस्टर है सुप्रीम लेजिस्लेटर उसे पावर्स कंफर करता है डेलीगेट करता है और जो सब ऑर्डिनेट लेजिलेटर है वो अपने सर्कल से अपने लिमिट्स से बाहर नहीं जा सकता ठीक है तो तो जो तो जो सुप्रीम है वो एक वो पावर्स जब डेलीगेट करता है तो उसकी लिमिट्स भी प्रिस्क्राइब करता है उस लिमिट से बाहर नहीं जा सकता सब ऑर्डिनेट लेजिस्लेटर ठीक है तो जो सब ऑर्डिनेट लेजिस्लेशन है इट कैन बी अल्टर्ड और एब्रोगेटेड बाय द सॉवरन अथॉरिटी जो सुप्रीम अथॉरिटी है वो क्या कर सकती है सब ऑर्डिनेट लेजिशन को एल्टर भी कर सकती है तब्दील भी कर सकती है रिपील भी कर सकती है एनएल भी कर सकती है एब्रोगेट भी कर सकती है ठीक है यानी कि इसमें तब्दील भी कर सकती है और इसको खत्म भी कर सकती है द सब ऑर्डिनेट लेजिशन शेल ऑलवेज भी इन कंजोन सुप्रीम लेजिस्लेशन एंड कैन नॉट बी इन देयर विद तो जो भी सुप्रीम तो जो भी सब ऑर्डिनेट लेजिलेटर है उसे चाहिए कि वो अपने कानून साजी यानी कि सब ऑर्डिनेट लेजिशन जो करता है वो सुप्रीम लेजिस्लेशन के अकॉर्डिंग होने चाहिए यानी कि सुप्रीम लेजिस्लेशन ने जो उसके लिए बाउंड्री सेट की है लिमिट सेट की है उससे बाहर नहीं जाना चाहिए और इन केस अगर ऐसा होता है कि सुप्रीम लेजिस्लेशन और सब ऑर्डिनेट लेजिस्ेशन में अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट आता है यानी कि सब ऑर्डिनेट अगर अपनी लिमिट से बढ़ के आगे करेगा काम तो फिर क्या हो सकता है उसका वो काम सुप्रीम लेजिस्लेशन एब्रोगेट कर सकती है उसे ख़त्म कर सकती है ठीक है तो सुप्रीम लेजिस्लेशन कौन सी होगी जब किसी भी कंट्री की जो सॉवरन अथॉरिटी है हाईएस्ट अथॉरिटी है वो जो वो जो लेजिस्लेशन करती है तो वो सुप्रीम लेजिस्लेशन है और उसके अलावा उससे इंफीरियर जितनी लेजिस्लेशन होगी जितने लेजिस्लेटर होंगे कानून साज होंगे वो जो लेजिस्लेशन करेंगे वो क्या कहलाती है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन या सब ऑर्डिनेट लेजिस्लेशन ठीक है अब हम कैंट्स देखते हैं सब ऑर्डिनेट लेजिस्लेशन की कितनी काइंट्स हैं पहली क्या है कॉलोनियल लेजिस्लेशन सेकंड एग्जैक्टिव थर्ड है जुडिशियल फोर्थ है म्यूनिसिपल और फिफ्थ हमारे पास ऑटोनस लेजिस्लेशन पांच है वन वन बाय डिस्कस करते हैं कॉलोनियल लेजिस्लेशन किसे कहते हैं कुछ कंट्रीज ऐसी होती हैं कि जो दूसरे कंट्रीज की कॉलोनीज होती हैं यानी कि उन वो दूसरे बड़ी कंट्रीज के अंडर होती हैं अंडर इन्फ्लुएंस होती हैं अंडर कंट्रोल होती हैं ठीक है थीके? तो ऐसी तमाम कंट्रीज जो कि किसी और कंट्री के कंट्रोल में है एक्चुअली तो फिर हम उसे कंट्री नहीं करेंगे वो क्या कहलाएगी कॉलोनी कहलाएगी दूसरी बड़ी कंट्री की ठीक है तो ये जो कॉलोनीज़ होती हैं इन्हें कुछ ना कुछ इख्तियार दिए जाते हैं सेल्फ़ गवर्नमेंट के कि वो अपने लिए कानून कानून साजी भी कर सकते हैं तो ये भी सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन की एक काइंड है तो जो कॉलोनीज़ अपने लिए सेल्फ़ गवर्नमेंट के हवाले से अपने मुल्क को चलाने के लिए अपनी कॉलोनी के हवाले से जो लेजिस्लेशन करेंगे उसे हम क्या कहते हैं कॉलोनियल लेजिस्लेशन यानी कि जो कॉलोनी ने अपने लिए कानून साजी की है जो लॉ मेकिंग की है उसे हम क्या कहेंगे कॉलोनियल लेजिस्लेशन तो अभी जो कॉलोनीज अभी जो कॉलोनियल लेजिस्लेशन है अब इसके सब अब ये क्या है सब ऑर्डिनेट है इससे सुप्रीम कौन है वो कंट्री जिसके अंडर हैं ये लोग जिसके कंट्रोल में हैं ये लोग वो उस कंट्री की जो सॉवरन अथॉरिटी है उस कंट्री की जो पार्लियामेंट है जो लेजिस्लेटर है वो यहाँ पर कौन होगा इनके लिए कॉलोनीज के लिए सुप्रीम लेजिस्लेटर ठीक तो है तो कॉलोनीज़ जो हैं कोई भी ऐसा लॉ पास नहीं कर सकती जो कि सुप्रीम लेजिस्लेटर के अगेंस्ट होगा और और oh. कॉलोनीज का कोई भी जो लॉ है वो सुप्रीम लेजिस्लेटर अनल कर सकती है एब्रोगेट कर सकती है चेंज कर सकती है ठीक है फॉर एग्जांपल द ब्रिटिश पार्लियामेंट व सुप्रीम लेजिस्लेटर व्हेन इट रूल्ड अवर कॉलोनीज एंड हैड गिवन देम पावर्स टू एक्सरसाइज सेल्फ गवर्नेंस बट द लॉज मेड बाय देम कुड बी अनल्ड मॉडिफाइड एज पर द दिशे ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट जब ब्रिटिश पार्लियामेंट बहुत सारी उसके पास कॉलोनीज थी तो फिर क्या था उसने अपनी कॉलोनीज़ को सेल्फ गवर्नमेंट का राइट दिया हुआ था सेल्फ गवर्नमेंट की पावर दी हुई थी यानी कि वो यानी कि वो अपने लिए कानून वो अपने लिए कानून साजी भी कर सकते थे लेकिन वो जो कानून साजी करते थे तो ब्रिटिश पार्लियामेंट यानी कि ये कौन सी पार्लियामेंट है सुप्रीम है क्योंकि ब्रिटिश के अंडर थी वो कॉलोनीज तो जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है कॉलोनियल लेजिस्लेशन को वो चेंज भी कर सकते थे मॉडिफाई भी कर सकते थे ठीक है सेकेंड है हमारे पास एग्जेक्टिव लेजिस्लेशन अच्छा अभी जो एग्जेक्टिव है जैसे कि आपने सेपरेशन ऑफ पावर्स का टॉपिक अगर पढ़ा है लेजिस्लेशन का काम क्या होता है लेजिस्लेटर का लॉ मेकिंग करना कानून बनाना जुडिशरी का काम क्या होता है इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ कानून को इंटरप्रेट करना और एग्जेक्टिव का काम क्या होता है टू इन्फोर्स लॉ यानी कि कानून को लागू करना तो एग्जेक्टिव का मेन काम तो ये है कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ यानी कि इन्फोर्समेंट ऑफ लॉ कानून को लागू करना लेकिन इसके साथ साथ एग्जेक्टिव भी लेजिस्लेशन कर सकता है किस तरह होता है आपने बहुत सारे एक्ट्स ऐसे देखे होंगे कि जिसके लास्ट में सेक्शन ऐसा ऐड किया होता है कि जिसमें यह लिखा होता है फॉर एग्जाम्पल प्रोविंशियल असम्बली ने अगर कोई एक्ट पास किया है तो एक ऐसा सेक्शन एड कर दिया जाता है कि जिसमें यह लिख दिया जाता है कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट को ये एक्ट एम्पावर करता है कि वो इस लॉ की इम्प्लीमेंटेशन के लिए रूल्स बनाए ऐसे रूल्स बनाएं ताकि इस हम हमने जो एक्ट पास किया है इस असम्बली ने जो एक्ट पास किया है इसके पर्पस को कैरी आउट किया जा सके ये तो कई सारे आपने इस तरह देखे होंगे कि जिसमें इस तरह का प्रोविजन ऐड किया जाता है द प्रोविंशियल गवर्नमेंट या फेडरल गवर्नमेंट अगर फेडरल अगर पार्लियामेंट ने लॉ पास किया है द प्रोविंशियल गवर्नमेंट मे मेक रूल्स रूल्स बना सकती है नॉट इनकन्सिस्टेंट विद दिस एक्ट अब देखें क्या बात लिखी है कि इस एक्ट के साथ इनकन्सिस्टेंट नहीं होने चाहिए इसके साथ इन कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए ठीक है तो ये सब ऑर्डिनेट ही तो लेजिस्लेशन है कि सुप्रीम लेजिस्लेशन से आपने आगे नहीं बढ़ना और विद रिस्पेक्ट टू एनी मैटर डेट बाय दिस एक्ट इज रिक्वायर्ड और परमिटेड और डेट इज नेसेसरी और कन्वीनियंट फॉर केयरिंग आउट और गिविंग इफेक्ट टू दिस एक्ट यानी कि जो अब असेंबली ने जो लॉ पास किया है आपको आपको पता है जो पार्लियामेंट है या जो असेंबलीज हैं क्योंकि इनके ऊपर लॉ मेकिंग का बहुत ज़्यादा बर्डन होता है तो इसीलिए ही इसमें प्राइमरी जो रूल्स होते हैं वो सेट आउट कर दिए जाते हैं प्राइमरी जो एक लॉ का स्ट्रक्चर है वो दे दिया जाता है और रूल्स बनाने की जो पावर है फिर वो डेलीगेट कर दी जाती है कि इसकी मज़ीद डिटेल कौन करेगा इसकी मज़ीद डिटेल कौन बताएगा सब ऑर्डिनेट लेजिलेशन के जरिए वो की जाती है वो इसकी मजीद डिटेल्स बताएँ वो उसके उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए मज़ीद रूल्स बनाएँ तो एग्जेक्टिव को ये पावर दी जाती है कि वो रूल्स मेकिंग का प्रोसेस करें ठीक है तो एक्जेक्टिव लेजिस्लेशन कौन सी होगी द इज सब ऑर्डिनेट लेजिस्लेटिव पावर टू मेक रूल्स डेट सप्लीमेंट द सुप्रीम लेजिस्लेशन इनको पावर दी जाती है इख्तियार दिया जाता है कि वो रूल्स बनाए जो क्या करें सुप्रीम लेजिस्लेशन को सप्लीमेंट करें वही बात जो आपका जो असम्बली लॉ पास करती हैं तो वो मेन स्ट्रक्चर बताती हैं फिर उसकी जो डिटेल्स कौन करता है फिर पार्टिकुलर डिपार्टमेंट को पार्टिकुलर गवर्नमेंट को वो इख्तियार दिया जाता है कि वो रूल्स बनाए ताकि इस एक्ट के जो पर्पज है वो अचीव हो सके सच पावर्स आर गिविन टू द एग्जेक्टिव इन ऑर्डर टू फाइंड द बेस्ट पॉसिबल वे टू इम्प्लीमेंट द सुप्रीम लॉ ताकि उस सुप्रीम लॉ को बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा सके ठीक है तो इन्फोर्स तो तभी होगा इम्प्लीमेंटेशन तब ही होगी जब एक लॉ बहुत ज्यादा जब एक लॉ फुली क्लियर होगा ठीक है तो एग्जेक्टिव तो लेजिस्लेशन कैसी लेजिस्लेशन है कि जब एग्जेक्टिव को यानी कि फॉर एग्जाम्पल यानी कि फेडरल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट या प्रेसिडेंट या गवर्नर को अख्तियार दिया जाता है कि वो रूल्स बनाए इस एक्ट के हवाले से रूल्स बनाए ताकि इस एक्ट के पर्पज को अचीव किया जा सके वो जो रूल्स बनाते हैं वो जो रेगुलेशन बनाते हैं उसे हम क्या कहेंगे एग्जेक्टिव लेजिस्लेशन ठीक है नेक्स्ट हमारे पास है जुडिशियल लेजिस्लेशन अब जुडिशरी का काम तो क्या है इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ लेकिन हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं जुडिशियल लेजिस्लेशन यानी कि जुडिशरी भी एम्पावर है कि वो लेजिस्लेशन कर सकती है तो किस हद तक है ये द जुडिशरी द जुडिशरी ऑल्सो पजेस सर्टन डेलीगेटेड पावर्स टू मेक रूल्स फॉर देयर पर्पजेज द सुपीरियर कोर्ट्स हैव द पावर टू मेक रूल्स फॉर द रेगुलेशन ऑफ देयर ओन प्रोसीजर जुडिशरी के पास भी अख्तियार है कि वो रूल्स बना सकती है लेकिन किस तरह का होता है ये फॉर एग्जाम्पल जो तमाम हमारे पास हाई कोर्ट्स हैं या सुप्रीम कोर्ट है इनके अपने रूल्स ऑफ प्रोसीजर होते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल इस्लामाबाद हाई कोर्ट रूल्स लाहौर हाई कोर्ट रूल्स सिंध हाई कोर्ट रूल्स वगैरह जो उस पर्टिकुलर कोर्ट के जो प्रोसीजर है उसको रेगुलेट करता है ठीक है कि तो ये कोर्ट्स कॉन्स्टिट्यूट किस तरह होते हैं बनते किस तरह हैं फॉर एग्ज़ाम्पल आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान नाइनटीन उठाओ तो वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बारे में भी बताया हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूट होगा इस तरह होगा उसकी सीट यहाँ पर होगी वगैरह फिर इसी तरह हाई कोर्ट्स के बारे में बताया हुआ है कि हर प्रोविंस का एक हाई कोर्ट होगा इसी तरह एक जो आई इस्लामाबाद कोर्ट है कैपिटल टेरिटरी के अंदर भी दौलहकूमत के अंदर भी एक हाई कोर्ट होगा तो अब लेजिस्लेशन हो गई ठीक है तो जो सुप्रीम लेजिस्लेशन है जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने इन इदारों को बना दिया जुडिशरी को बना दिया अब जो जुडिशरी है फिर इसको पावर्स डेलीगेट की गई कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही कि दे आर एम पावर के ये अपने प्रोसीजर को रेगुलेट करने के लिए रूल्स बना सकते हैं ठीक है तो जो सुपीरियर कोर्ट्स हैं उनमें जो प्रोसीजर चलेगा जो तरीक़ेकार फॉलो किया जाएगा उसके हवाले से वो रूल्स बनाते हैं ये जो रूल्स मेकिंग है इसको हम क्या कहेंगे जुडिशियल लेजिस्लेशन ठीक है और एक और बात ये प्रेसिडेंट से हट कर है जो जजमेड लॉ है प्रेसिडेंट्स इसके अंदर वो चीज इंक्लूडेड नहीं है उसको हम अलहदा डिस्कस करेंगे प्रेसिडेंट्स जो तो है अलहदा चीज है ठीक है जुडिशियल लेजिस्लेशन में सिर्फ ये चीज़ आती है कि सुपीरियर कोर्ट्स अपने प्रोसीजर्स को रेगुलेट करने के लिए जो रूल्स बनाते हैं दैट इज इंक्लूडेड इन जुडिशियल लेजिस्लेशन ठीक है नेक्स्ट in है हमारे पास म्यूनिसिपल लेजिस्लेशन जिसको हम लोकल गवर्नमेंट लॉ भी कहते हैं डोमेस्टिक लेजिस्लेशन भी कहते हैं जो कि सिटी लेवल या टाउन लेवल या किसी डिस्ट्रिक्ट लेवल या किसी मखसूस पार्टिकुलर एरिया के हवाले से होती है उसे हम क्या कहेंगे लेजिस्लेशन यानी कि जैसे फेडरल गवर्नमेंट फिर प्रोविंशियल गवर्नमेंट और फिर एक और हमारे पास होती है लोकल गवर्नमेंट जो पार्टिकुलर वगैरह के हवाले से होती है तो ये अपने पार्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट्स के डिस्ट्रिक्ट बाय लॉज बनाते हैं रूल्स बनाते हैं तो उस एरिया उस पार्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट उस पार्टिकुलर टाउन उस पार्टिकुलर सिटी उस तक ही महदूद होते हैं ठीक है ठीक है तो जो लोकल गवर्नमेंट जो बाय लॉज बनाती है अपने पार्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट अपने पार्टिकुलर टाउन के हवाले से उसे हम क्या कहते हैं म्यूनसिपल लेजिस्लेशन फॉर एग्ज़ाम्पल टाउन प्लानिंग स्कीम्स उस पर्टिकुलर लोकल एरिया चाहे वो डिस्ट्रिक्ट है सिटी है टाउन है या कोई भी एरिया है उसके हवाले से टाउन प्लानिंग के हवाले से जो रूल्स बनाए जाते हैं ट्रैफिक्स के हवाले से जो रूल्स बनाए जाते हैं पार्क्स के हवाले से जो रूल्स बनाए जाते हैं जोन्स जो बनाए जाते हैं जोनिंग जो की जाती है एजुकेशनल पॉलिसीज़ स्कूल्स के हवाले से सफाई सुथराई के हवाले से बिल्डिंग्स के हवाले से जो रूल्स रेगुलेशंस बनाए जाते हैं तो इस किस्म की लेजिस्लेशन कौन सी है म्यूनिसिपल लेजिस्लेशन तो जो बाई लॉज म्यूनिसिपल गवर्नमेंट बनाती है या लोकल गवर्नमेंट बनाती है उसे हम क्या कहते हैं म्यूनिसिपल लेजिस्लेशन ठीक है नेक्स्ट और लास्ट है हमारे पास ऑटोनोमस लेजिस्लेशन अब ऑटोनोमस का क्या मतलब है ऑटोनोमस का मतलब क्या होता है सेल्फ गवर्निंग जो इंडिपेंडेंट इदारे होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस तो अभी तक तो जो पिछले आपने पढ़े वो क्या थे स्टेट के ही मुख्तलिफ मुख्तलिफनस थे जुडि जुडिशरी लोकल गवर्नमेंट एग्जीटिव वगैरह अभी ऑटोनमस किसकी बात हो रही है वो ऑटोनमस के क्या है जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है आपके पास उनकी बात हो रही है ठीक है तो आपकी कंट्री आपकी स्टेट आपकी सोवर्न अथॉरिटी जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन हैं उनके पास जो इख्तियार देती है कि वो अपने हवाले से बाय लॉज बना सकें अपने हवाले से जो रूल्स रेगुलेशन बनाएँ ताकि वो इदारे चल सकें तो ऐसी लजिस्लेशन को हम क्या कहेंगे ऑटोनमस लजस्लेशन ठीक है जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन हैं जो सेल्फ गवर्निंग है जो इंडिपेंडेंट है वो जो लॉज बनाते हैं अपने लिए बाई लॉज बनाते हैं वो किस किस्म के होंगे ऑटोनमस लेकिन एक चीज़ लेकिन फिर वही बात है ये ऐसा कोई भी लॉ पास नहीं कर सकते जो कि सुप्रीम जो कि सुप्रीम लजिसलेशन के अगेंस्ट होगा ठीक है फॉर एग्जाम्पल इसे हम एग्जाम्पल से डिस्कस करते हैं फॉर एग्जाम्पल ऑटोनमस बॉडीज हमारे पास कौन कौन सी है? इसमें हैं इसमें चंद एक मैंने एग्जाम्पल लिखी है जो कि मोस्ट पॉपुलर हैं नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ओग्रा ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी पेमरा पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी नादरा नेशनल डेटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी तो ये जितनी भी अथॉरिटीज़ हैं ये क्या है ऑटोनमस बॉडीज हैं तो जो ऑटोनोमस बॉडीज हैं वो अपने हवाले से जो रूल्स रेगुलेशन बाय लॉज बनाती हैं इस लेजिस्लेशन को हम क्या कहते हैं इस कानून साजी को हम क्या कहते हैं ऑटोमस लेजिस्लेशन ठीक है होप्स यहाँ तक आपको आज का टॉपिक क्लियर थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग